बहुत कोई सॉलिड जानकारी हमको नहीं मिली है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग करीब करीब इसको क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम पे, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सुराग लगे हैं जिससे हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं। सर, जो जेल से संगठित अपराध चल रहे हैं, इसके पहले 2 महीने पहले यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब उस समय अरुण कुमार हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि जेल से पूर्वांचल में संगठित अपराध चल रहे हैं, क्या इस मर्डर में भी जेल से सूत्र जुड़े हो सकते हैं? मैं बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो अनिल त्यागी जी थे वो जेल से ही जेल में कार्य करते थे, और ये घटना भी हो सकती है जेल से जुड़ी हो, उसको नकारा नहीं जा सकता। कुल कितनी टीमें लगी हैं सर इस पूरे मामले में? देखिए, मेरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईजी साहब ने बहुत सारे जिलों के जो एसओजीज है या क्राइम ब्रांच के जो टीम्स है वो मेरे साथ अटैच की हुई है, वो भी सारे मेरे साथ परफॉर्म कर रही हैं, और अपने ज़िले की जो 3-4 टीमें बनी हुई हैं वो भी मेरे साथ काम कर रही है। तो मेरा ये मैसेज तो हर एक कांस्टेबल तक गया हुआ है कि सभी लोग, ये इतना इम्पोर्टेंट जो क्राइम हुआ है, जो इस तरह का क्राइम हुआ है, उसको क्रैक करने के लिए मेरा हर एक कांस्टेबल इसमें लगा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के बाहर भी पुलिस जांच कर रही है, अन्य राज्यों में भी? देखिए, जांच तो कर ही रही है, लेकिन टीम मेरी कोई बाहर गई नहीं है अभी तक। थैंक यू सर। पे उसको उससे रिलेटेड भी आज की मीटिंग थी, सेंसिटाइज करने के लिए मैंने सभी को बुलाया था, कुछ निर्देश मुझे देने थे, और जो बनारस की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं जैसे ट्रैफिक है, क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है, उससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे निर्देश आज की मीटिंग में दिए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि सटीक मुखबिरी के भी अंदेशा है, सटीक मुखबिरी हुई होगी, क्योंकि इसके पहले से रेकी चल रही थी। देखिए, वो जो भी क्राइम होता है वो सटीक मुखबिरी से ही होता है। तो क्या जेल के भी कुछ कर्मचारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? अभी तक तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज की बात उस दिन आ रही थी, तो क्या आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उस पर काम कर रहे हैं? ठीक है सर, थैंक यू।